जा रही है दल बदल। बीजेपी में शामिल हुए विधायक सुभाष राय, सपा ने भी दिया भाजपा को झटका। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। आज ही अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं जलालाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे अनिल वर्मा ने सपा का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी ने वर्मा के अखिलेश यादव से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, सपा का बढ़ता कारवा, बीजेपी नेता और शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से प्रत्याशी रहे अनिल वर्मा सपा की विचारधारा से प्रभावित होकर हुए पार्टी में शामिल, आपका हार्दिक स्वागत। यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली खान ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। हैदर अली खान ने कहा, विपक्ष ने यह कहकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारा मुख्य एजेंडा विकास है। सपा सरकार के दौरान उन्होंने मजार पर सड़कें बनवाई। यूपी में मुसलमान एनडीए को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा हरदोई की संडीला विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किए गए जाने के लिए एक दिन बाद राजभर ने उसी सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने रविवार को घोषणा की है कि हरदोई की संडीला विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी एसपी एसबीएसपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार भार्गव की बेटी रीता सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित प्रतिद्वंदी दल आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में कुल मिलाकर 100 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। शर्मा ने राज्य की राजनीति में आपराधिक तत्वों, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। दादरी में पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल नागर के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने संवाददाताओं से कहा, क्षेत्रवाद, पारिवारिक राजनीति और माफिया शासन का उन्मूलन भाजपा का उद्देश्य है, जो विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार अधिक वोटों से भाजपा को समर्थन देकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ देगा। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले ओपिनियन पोल का मामला गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षण यानी ओपिनियन पोल पर रोक की मांग को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि सपा की इस मांग को लेकर बीजेपी ने उस पर करारा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। नरेश उत्तम पटेल ने पत्र में लिखा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान 8 जनवरी 2022 को हो गया है। पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च 2022 को होगा, जबकि मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। उनका कहना है कि कई न्यूज चैनल ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जिससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। यह कार्य आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। नरेश पटेल ने मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल से रोक लगाई जाए।